यरोमन अन्योन्याश्मिका, हेलो एवरीवन। दोस्तों, बीटीएस मेंबर्स आर्मी के कितने क्लोज हैं ये तो हम सभी जानते हैं। यही रीजन है कि बीटीएस मेंबर्स आर्मी के साथ अपनी हर एक बात शेयर करते हैं, फिर वो चाहे फैमिली की बात हो या उनके अंडरवियर चुराने की बात हो, जिसमें शायद ही कोई ऐसी बात रह गई हो जो बीटीएस मेंबर्स ने आर्मी के साथ शेयर ना की हो। तो ऐसी ही एक स्क्रीनशॉट चैट आरएम ने आर्मी के साथ शेयर की, जिसे देखकर आर्मी न सिर्फ सरप्राइज हो गई, बल्कि इमोशनल भी हो गई और कहने लगी कि बीटीएस मेंबर्स हम पर कितना ट्रस्ट करते हैं कि वो अपनी चैट तक हमारे साथ शेयर करते हैं। तो मैं आपको इस चैट और इस स्क्रीनशॉट का पूरा किस्सा बताऊं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे बीटीएस की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि 2 दिसंबर को बीटीएस लीडर और हमारे डिंपल बॉय आरएम की इंडिगो एल्बम रिलीज हुई थी, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है, जिसका कल आरएम ने सियोल में एक प्राइवेट कॉन्सर्ट भी अरेंज किया था, जिसे आप में से हमारे काफी दोस्तों ने लाइव भी देखा होगा। और जिसने भी इस कॉन्सर्ट को लाइव नहीं देखा वो बीटीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बांगतन टीवी पर देख सकते हैं। तो इसी कॉन्सर्ट के शुरुआत में इंटरव्यूअर ने आरएम से पॉल ब्लैंको के बारे में पूछा कि आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई और आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आरएम ने कहा कि पॉल ब्लैंको कोरिया के मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैं उनके साथ काम करने के लिए काफी टाइम से सोच रहा था। तो एक दिन मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हुए कहा कि मैं आरएम हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे अपना नंबर भेज सकते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही पॉल ब्लैंको ने रिप्लाई दिया और अपना नंबर शेयर करते हुए कहा कि आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आगे आरएम ने कहा कि मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैंने आपको लेट नाइट मैसेज किया है और आप अभी तक जाग रहे हैं, आप सोए नहीं। तो आरएम ने आगे मुस्कुराते हुए बताया कि इसका आंसर पॉल ने आरएम को दिया कि स्लीप तो रिच पीपल्स के लिए होती है। ये सुनकर आरएम काफी शॉक्ड हो गए। आगे पॉल ने कहा कि मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगी, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। जिसके बाद आरएम ने उनसे कहा कि जल्दी वो उनके साथ अपना वर्क शेयर करेंगे। वैसे दोस्तों, आप तो सबसे ज्यादा रिच हुए क्योंकि आप तो सारे दिन क्रोकोडाइल की तरह सोते रहते हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, ये पॉल की काइंडनेस ही थी कि उन्होंने आरएम को इतना पोलाइट रिप्लाई दिया। और जब से आरएम ने आर्मी के साथ ये इंसिडेंट शेयर किया है, जब से आर्मी पॉल को काफी पसंद कर रही है और उन्हें ढेर सारे मैसेजेस और कार्ड्स भेज रही है अपना एप्रिसिएशन और लव शो करने के लिए। दोस्तों, आप क्या क्या कहना है कि आरएम ने आर्मी के साथ इस चैट को शेयर किया, क्या उन्होंने ये ठीक किया? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगेओ।